जस्ट हमने एलीट क्लास लोगों को फैसिलिटेट नहीं करना, हम लोगों ने थोड़े मिडिल क्लास लोगों को भी फैसिलिटेट करना है, डेफिनेटली सी बात है। अब आपको पता है इस्लामाबाद सारा चक्री रोड वाली साइड पे न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से इस्लामाबाद सारा जो है वो उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं ही ज़्यादातर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। उसके सबसे ज़्यादा जो कंसर्न्स होते हैं वो एक तो ये कि अप्रूवल के होते हैं और दूसरा रिटर्न ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप डेफिनेटली सी बात है क्लाइंट पे इन्वेस्ट करने से पहले प्लेटफॉर्म देखना चाहिए कि आया वो प्लेटफॉर्म कैसा है, क्योंकि हर सोसाइटी को हम डील नहीं करते, जस्ट अप्रूव्ड सोसाइटीज हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरूज फातिमा फ्रॉम तजारत प्रॉपर्टीज एंड वी आर डीलिंग इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्री फॉर एनी रियल इस्टेट कंसल्टेंसी एंड एडवाइस। देखें, एक आपके पास कुछ अमाउंट पड़ी है, वो डेफिनेटली सी बात है कि वो अमाउंट बैंक में पड़ी रहे और वही अगर आपके पास 10 लाख है, साल बाद भी वो 10 लाख ही होगा आपका जो नॉर्मली करंट अकाउंट होता है। तो उससे बजाय ये कि वो 10 लाख आप 1 साल के बाद 10 लाख ही आप पाएँ, उससे बेहतर नहीं है कि आप किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करें और उसके ऊपर आप अच्छा जो है वो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो गेन करें। डेफिनेटली सी बात है जितने भी कामयाब बिजनेसमैन होते हैं या जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो टाइमली डिसीजन लेते हैं और टाइमली जो है वो अच्छी सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तिजारत प्रॉपर्टीज़ के पास जो है वो डिफरेंट जो है वो अप्रूव्ड अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पर लोग नॉर्मली यही होता है पाकिस्तान में कि लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे होते हैं। तो आप एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करें और अपना जो है वो पैसे को लाजमी इन्वेस्ट करें ताकि आपको कुछ उसमें से गेन मिले। यही तो टाइम है इन्वेस्ट करने का। आप कोई भी एग्जांपल ले लें, ठीक है, जब भी इकॉनमी डाउन होती है तो वो रियल इस्टेट की मार्केट भी डाउन होती है। इस टाइम पे पाकिस्तान में जो आप नॉर्मली जो सिचुएशन, जब पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी जा रही होती है या किसी भी कंट्री की, उस टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर वो चीज़ आपको 10 to 15 lakh में पड़ रही है तो वही चीज़ आजकल थोड़ी सी मार्केट सिचुएशन की वजह से आपको सस्ती चीज़ मिल जाती है, चीप रेट्स में मिल जाती है। तो जो समझदार इंसान होता है जो वो इसी टाइम में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा रेट डाउन है तो अभी आप इन्वेस्ट करें, जैसे ही थोड़े से जो है वो हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस बेटर होंगी तो यही रेट आपको डबल गेन देंगे। क्योंकि जब भी आप कभी इन्वेस्ट करने लगते हैं तो क्लाइंट को सबसे पहले जो है ना वो प्लेटफॉर्म, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, ठीक है। तो आप डेफिनेटली सी बात है क्लाइंट को इन्वेस्ट करने से पहले प्लेटफॉर्म देखना चाहिए कि आया वो प्लेटफॉर्म कैसा है, क्योंकि हर सोसाइटी को हम डील नहीं करते, जस्ट अप्रूव्ड सोसाइटीज हम देखते हैं। कभी भी जब भी किसी सोसाइटी में किसी क्लाइंट के साथ फ्रॉड होता है ना, तो वो कभी भी ये नहीं कहता कि सोसाइटी ने फ्रॉड किया, वो कहता है तिजारत प्रॉपर्टीज़ ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, लाइक तिजारत ने हमें जो है वो गलत सजेशन दिया था। तो हम लोगों को ये चीज़ बहुत सोच समझ के कोई भी चीज़ ऑनबोर्ड करनी पड़ती है ताकि हमारा क्लाइंट ना ख़राब हो। तो ये चीज़ है कि हम लोग हर सोसाइटी ऑनबोर्ड नहीं करते। उसके सबसे ज़्यादा जो कंसर्न्स होते हैं वो एक तो ये कि अप्रूवल के होते हैं और दूसरा रिटर्न ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए, ये जब भी कोई क्लाइंट इन्वेस्ट करता है ना तो वो एक रिस्क होता है, मतलब डेफिनेटली सी बात है क्लाइंट जो है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम पैसे दे के इन्वेस्ट करता है, उसका वो लंबा छक्का लग जाता है। तो जहाँ पे आपको लंबा छक्का लग के एक अच्छी गेन होता है ना, तो वहाँ पे समटाइम्स कभी कभी थोड़ा से टाइम के लिए मार्केट डाउन होती है, वही चीज़ नीचे आ जाती है। थोड़ा सा हौसला रखा करें, अगर कोई चीज़ डाउन होती है तो वो अपने दोबारा उस लेवल के ऊपर ज़रूर आती है कुछ टाइम बाद। मुझे लगता है कि एक रियल इस्टेट ही ऐसा बिज़नेस या एक ऐसी चीज़ है जो आपको जो है ना कभी भी डाउन नहीं करेगी, चाहे वो क्लाइंट है या चाहे वो रियल इस्टेट के जो बिज़नेस टाइकॉन्स हैं वो हैं। जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो कभी भी जो है ना आपको लॉस नहीं देती। अब आप खुद देखें, सारा दिन एक जगह आप जॉब कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं सुबह से शाम, और वो ना लर्निंग है ना एक्सपोजर है, और उसकी तरफ एक ऐसी जगह जहाँ पर डेली आप नए लोगों से मिल रहे हैं, चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, एक्सपोजर है, लर्निंग है, तो डेफिनेटली मेरे तो इंटरेस्ट है। और दूसरी बात ये कि जब हम लोग किसी भी क्लाइंट को अच्छी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं ना, तो लिटरली वो जो हमें दुआ दे के जाता है ना, वो हमारे लिए सब कुछ है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताती हूँ कि अब तो मुझे यहाँ पे जो है वो 1 साल हो गया मेरा तिजारत के साथ, अब तो तिजारत में ही फैमिली है। मैंने यहाँ पे 3rd month जब जहाँ पे लोग फ्रेश होते हैं, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं, मैंने यहाँ 3rd month में वो अर्न किया था जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो है ना वो 17 to 18 grade के गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वो सैलरी लेते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तिजारत प्रॉपर्टीज़ के अपने प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे बॉसेज उसको बड़ा अच्छा अपने एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट करते हैं। उसमें यह है कि इंसेंटिव्स बड़े अच्छे होते हैं, तो अर्निंग की तो हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ अर्निंग ही नहीं होती, हमारे लिए क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ भी मैटर करती है।
देखें, सबसे पहले तो बजट की बात आती है। अगर तो कोई क्लाइंट है वो अच्छी, मतलब उसकी थोड़ा एलीट क्लास सोसाइटी वो अफोर्ड कर सकता है, तो डेफिनेटली मेरा जो फेवरेट प्रोजेक्ट है पार्क व्यू के अंदर हमारे अपना प्रोजेक्ट है स्काई व्यू के नाम से, वो मेरा फेवरेट है, वो बहुत अच्छा क्लाइंट को रिटर्न देता है। CDA का प्रोजेक्ट है तो वो बहुत अच्छा है। और अगर थोड़ा सा हम लोग लो बजट में चले जाएँ तो वो फिर हमारी काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, चक्री रोड वाली साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी आ जाती है, उसमें जो है वो ब्लू वर्ल्ड आ जाती है, और एयरपोर्ट के पास है, CPAC के बिल्कुल साथ है नोवा सिटी, वो बहुत अच्छी है। I-14 और I-16 के मिड में ताज रेजिडेंशिया सेंटोरस वालों का प्रोजेक्ट है, वो बहुत अच्छा है। तो वो हमारे बजट टू बजट मैटर करती है चीज़ें हमारे साथ। आप जो है वो अपना बजट बताएं हमें, ठीक है, और उसके लिहाज से हम आपको अच्छे से अच्छा गाइड करेंगे। देखें, हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करते हैं ना, तो हमारा सबसे पहले माइंडसेट ये होता है कि जस्ट हमने एलीट क्लास लोगों को फैसिलिटेट नहीं करना, हम लोगों ने थोड़े मिडिल क्लास लोगों को भी फैसिलिटेट करना है जो कि सैलरी पर्सन्स होते हैं। वो आप हमें जो है वो आपको हम जो अच्छे सजेशन दे सकते हैं। हमारे पास ब्लू वर्ल्ड है, हमारे पास किंगडम वैली है, हमारे पास ब्लू कैपिटल स्मार्ट सिटी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी तो खैर अच्छा प्रोजेक्ट है काफ़ी, और बाकी भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, डेफिनेटली सी बात है। अब आपको पता है इस्लामाबाद सारा चक्री रोड वाली साइड पे न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से इस्लामाबाद सारा जो है वो उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं ही ज़्यादातर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। कमर्शियल में देखें, कमर्शियल दो तरह के होते हैं, एक तो आपको कमर्शियल प्लॉट होता है और एक होती है हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है। मैं तो जो सजेस्ट करूंगी वो हाई राइज बिल्डिंग सजेस्ट करूंगी। उसमें ये है कि पार्क व्यू सिटी के अंदर स्काई व्यू के नाम से हाई राइज बिल्डिंग है, वो बहुत अच्छी है। CDA का प्रोजेक्ट है, बोटेनिकल गार्डन के मिड में है, हिल व्यू आपके अपार्टमेंट शॉप्स ऑफिसेज हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी टाउन में हमारे पास जो है वो 2 से 3 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और ये दोनों यूनिवर्सिटी टाउन और पार्क, ये दोनों एक ऐसी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है जो मैं सजेस्ट करती हूँ, और मैं अपने खुद घर वालों को सजेस्ट करती हूँ, जिसमें 100% गारंटीड प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म।